दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के जो मुद्दे हैं, सरकार और किसान आंदोलनकारियों के बीच में जो गतिरोध है, उसके निपटारे का सबसे बेहतरीन फोरम क्या हो सकता है? भारत के लोकतंत्र में और भारत के संविधान दोनों जगह, अगर हम सिस्टम को देखें और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो उसके हिसाब से भारत की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम बॉडी है हमारे सिस्टम की, जो कानून बनाती है। कानून बनाने का काम संसद करती है और कानून की व्याख्या का काम सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये जो तीन कानून हैं जिनको लेकर पूरे देश में किसान आंदोलित हैं और जिसकी अनुगूंज सबसे अधिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुनाई दे रही है, क्योंकि सरकार यहां बैठती है, संसद यहां है, तो वो तीनों कानून जो है संसद द्वारा बनाए गए हैं। अब संसद में किस तरह वो पारित हुए हम उस पर नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल हो जाएगा, काफी विस्तार हो जाएगा, उस पर काफी बातें कही जा चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, ये तीनों कानूनों को लेकर अगर इस देश के किसानों का व्यापक हिस्सा आंदोलित है, तो भारत सरकार, सत्ताधारी पार्टी या उसके समर्थक उनको बार बार जो ये कह रहे हैं कि बरगला दिया गया है, उनको विपक्षी दलों ने, कुछ खतरनाक किस्म के उग्रवादी गुटों ने, कभी खालिस्तान कभी पाकिस्तान, न जाने कितने नाम दिए गए हैं इनके बारे में, कि ऐसे लोगों ने बरगला दिया है, तो क्या यह माना जाए कि इस देश में कानून के बारे में, किसी भी पॉलिटिकल इश्यू के बारे में सिर्फ और सिर्फ समझदारी सत्ताधारी दल के लोगों के पास है, उनके गठबंधन के सहयोगियों के पास है? किसान, मजदूर, मध्य वर्ग, छात्र, युवा, किसी के पास कोई समझदारी नहीं है? और विपक्ष इतना मजबूत है कि वो सबको भ्रम में डाल दे रहा है, सबको इकट्ठा करके सड़क पर खड़ा कर दे रहा है। अगर विपक्ष के पास इतनी ताकत होती तो संसद में उसकी सरकार होती, बहुमत उसका होता। अगर व्यापक जनता की गोलबंदी का सारा का श्रेय आप विपक्ष को दे रहे हैं, तो विपक्ष की तो सरकार होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार तो आपकी है, सत्ताधारी दल की है, जो मौजूदा सत्ताधारी दल है। तो ये बातें जो संसद में तय होनी चाहिए थी, उनको ठीक है, हम सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के, किसी संस्था के या किसी भी पेटिशनर के जाने के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार को हम बिल्कुल इनकार नहीं उससे कर रहे हैं, हर व्यक्ति किसी का भी अधिकार हो सकता है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय में, जिस पर आस बहुत सारी, ऐसा लगता है आज की बातचीत से, आज जो नेताओं की मैं बात सुन रहा हूं, नेताओं के जो बयान सुन रहा हूं, खासकर सत्ताधारी पार्टी के, ऐसा लगता है कि उनको काफी एक आशा की किरण दिखाई दे रही है इस गतिरोध को खत्म करने का, कि वो गतिरोध भले ना खत्म कर पाए लेकिन शायद कोर्ट के जरिए गतिरोध खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ आज ये कहा है, जो अब तक जो 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 खबर आ रही है, कि वो एक कमेटी बनाने के बारे में सोच रहा है। सरकार से उन्होंने मांगा है नाम कि किसान संगठन कौन कौन है, उनके नाम आप दीजिए। ये भी पूछा गया कि लगता है कि आप लोगों के बीच में जो बातचीत चली उससे बात नहीं बनी और गतिरोध बरकरार है। इस बीच में जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि इसका मतलब कि कहीं ना कहीं निगोशिएशन फेल की है। तो हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में इनिशिएटिव लेकर और दोनों के बीच में फिर से कुछ बातचीत कराए, लेकिन सरकार ने एक बार नहीं हजार बार कह दिया है कि इन तीन कानूनों पर कोई समझौता करने को वो तैयार नहीं है। और अभी भी आज सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी जो आई है, जो ऑब्जर्वेशन आए हैं, जो इनिशिएटिव लेने की बात आई है, उसमें भी अभी मैं देख रहा था, टेलीविजन पर चल रहा है, कि कृषि मंत्री ने कहा है कि इन तीन कानूनों को लेकर कोई कंफ्यूजन अगर है किसान आंदोलनकारियों को, तो हम उस पर बात करने को तैयार हैं। यानी किसानों की जो मांग है, जो अन्य लोगों की मांग है, अब तो उसमें मजदूर हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, छात्र हैं, युवा हैं, हर तरह के लोग हैं, और सबकी मांग यह है कि कानून ही नहीं चाहिए हमको इस तरह का, कानून फ्रेश बनाइए, नए बनाइए,
अगर बनाना है तो, लेकिन सरकार कह रही है कि हम केवल आपको कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं नहीं समझता, कम से कम मुझे कोई ऐसा पूर्व उदाहरण नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी जो स्थिति पैदा हो गई हो उसमें निगोशिएशन करके या मध्यस्थता करके किसी चीज को सेटल कर दिया हो, ऐसा बहुत कम हुआ है। और दोस्तों सच यह है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो या विनिवेशीकरण हो या सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का मसला हो, सर्वोच्च न्यायालय ने नियमगिरी के एक मामले को अगर छोड़ दिया जाए जहां जो उड़ीसा के आदिवासी विलेजेस का, तो उस एक दो ऐसे ही उदाहरण हैं जहां सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने कॉर्पोरेट के पक्ष में नहीं जनता के पक्ष में, या यूं कहा जाए कि जो प्रभावित लोग थे उनके पक्ष में वो खड़ा दिखाई दिया। लेकिन आमतौर पे तेल हो, गैस हो और पब्लिक सेक्टर जो बड़े बड़े अपने देश के हैं उनके डिस इन्वेस्टमेंट को लेकर, उनके निजीकरण को लेकर जो भी सरकारों द्वारा फैसले किए गए हैं, सरकार चाहे आज की हो या पहले की हो, कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट्स या इसके पहले की हो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, न्यायालय द्वारा आमतौर पे बड़े हस्तक्षेप नहीं किए गए क्योंकि न्यायालय ने भी समझा कि ये नीतिगत फैसला है जो पार्लियामेंट तय करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में जाने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय से केवल इस मुद्दे पर आस लगाना, मुझे लगता है कि ये हमारे देश के जो सत्ताधारी दल है, जो सरकार है, उसके लोकतांत्रिक विमर्श के लिए, उसके लोकतांत्रिक एक पृष्ठभूमि के हिसाब से अगर मैं देखूं भारत में आई गई सरकारों की, उस हिसाब से कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि भारत की सरकार ने इस बार संसद का सत्र ही कैंसिल कर दिया, यानी शीतकालीन सत्र जो होना था अब वो शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा है। ठीक है कि संवैधानिक स्थिति मेंटेन रहेगी क्योंकि 6 महीने की जो अवधि है उसमें वो बुला लेंगे सत्र थोड़े दिन बाद, या तो हो सकता है कि उसकी तारीख वगैरह भी जल्दी घोषित हो जाए, लेकिन शीतकालीन सत्र को चाहे 15 दिन के लिए ही क्यों ना करो, आपको करना चाहिए था ताकि इस मसले को पुनः वहां पर डिस्कस किया जा सके। लेकिन सर्वोच्च जो बॉडी है अपने देश की, सुप्रीम बॉडी, उसमें ये बात जा ही नहीं पाएगी, अब सिर्फ वो कोर्ट और सरकार और फिर आंदोलनकारियों, इनके बीच रहेगी। तो आपने कहा कि कोरोना के कारण हम संसद का सत्र नहीं बुला रहे हैं। भाई कोरोना के दौर में बिहार का चुनाव हो गया, लाखों लाखों की जो रैलियां हो गई चुनाव की, अभी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच में गुत्थम गुत्थी चल रही है, रोज रैली, रोज झगड़ा, रोज क्लैश, रोज तरह तरह की बयानबाजी चल रही है। मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शंस हो गए, कर्नाटक में भी कुछ हो गया, केरल में अभी अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हुई है, हैदराबाद में लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, तो इतनी सारी चीजें हो गई और बड़ी बड़ी सभाएं, जिन लोगों की सरकार है उनके नेताओं ने बड़ी बड़ी सभाएं की, लाखों की हजारों की भीड़ जुटाई। तो ये जो लोकसभा है और अपनी राज्यसभा है, संसद के दोनों जो प्रमुख सदन है, इनमें तो 540-50 लोगों की संसद है लोकसभा, और राज्यसभा में भी 250 से के आसपास लोग हैं, तो क्या इनके बैठने की व्यवस्था कोरोना दौर में नहीं की जा सकती थी? ये आश्चर्यजनक है। इसलिए आश्चर्यजनक है कि आप जब लाखों हजारों की जनरल बॉडी, रैली, मीटिंग सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, अभी 26 जनवरी को हमारे देश का गणतंत्र दिवस है, उस दिन भी विदेश से लोग आ रहे हैं भारी पैमाने पर, यहां भी काफी बड़ी गैदरिंग होगी, और पार्लियामेंट सेशन नहीं हो पा रहा है। क्या लॉजिक है कि कोरोना दौर में पार्लियामेंट सेशन नहीं होगा? मैं आपको याद दिलाऊं, ये 3 जो कानून जो सिरदर्द बने हुए हैं इस देश की आवाम के माथे पर, ये जो सिरदर्द 3 कानून है, ये भी संसद में उस वक्त पास किए गए थे जब कोरोना अपने क्लाइमेक्स पर था, मानसून से सब सितंबर महीने। तो सितंबर महीने में पार्लियामेंट हो सकती है और कानून पास किए जा सकते हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी में नहीं हो सकती है। आप 15 दिन के लिए कर सकते थे, 10 दिन के लिए कर सकते थे, 7 दिन के लिए कर सकते थे। तो संसद में न जाना और दूसरे फोरम की तलाश करना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार गई, नहीं, ठीक है, लेकिन जो भी किसी के जाने के अधिकार को भी मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर किसी का, लेकिन ये मसला राजनीतिक मसला है, ये मसला आर्थिक मसला है, ये मसला नीतिगत फैसला है, और ऐसे फैसले के लिए बेहतर फोरम पार्लियामेंट है डेमोक्रेसी में। इसके लिए कोई दूसरे फोरम और जो है वो निश्चित रूप से पार्लियामेंट के बाद ही है। और जैसा मैंने पहले कहा, कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में हमारे यहां सुप्रीम बॉडी जो कानून बनाने की है वो पार्लियामेंट है। और दोस्तों, बिल्कुल अंत में मैं कंक्लूड करूंगा अपनी बात कि हमारे देश का आर्टिकल 39 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 39 वो साफ साफ इन चीजों पर रोशनी डालता है, बशर्ते कि हमारी सरकारें उस पर गौर करें। मैं बिल्कुल अंत में दो पंक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन की सुना करके अपनी बात खत्म करूंगा। आर्टिकल 39 ये कहता है कि उसका 39 का बी सेक्शन, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। और उसके बाद का सेक्शन सी कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। इसका क्या मतलब हुआ कि व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे हमारे देश में असमानता या संकेंद्रण ज्यादा न बढ़े। लेकिन ये जो कानून पास किए गए हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि इन तीनों कानूनों के जो प्रावधान हैं वो कितने खतरनाक हैं, किस तरह खेती बाड़ी के क्षेत्र में कारपोरेट को, देसी विदेशी कंपनियों को न केवल ये दखलंदाजी देने का पूरा मौका देते हैं, बल्कि खेती किसानी पूरी तरह भविष्य में कारपोरेट के अधीन हो जाएगी और देश का जो किसान है वो कहीं का नहीं रहेगा दोस्तों। और ये केवल किसानों के लिए नहीं है, मध्य वर्ग, मजदूर वर्ग, साधारण लोग, सबके लिए तबाही का आलम आएगा, क्योंकि आवश्यक सेवा जो कानून है 1955 का, जिसमें 2020 में संशोधन किया गया है, उसमें अनेक चीजों को आवश्यक सेवा या वस्तु जो है उससे बाहर कर दिया गया है, जिससे तेल है, तेलहन है, दाल है, खाद्यान्न है, ये सारी चीजें, आलू है, प्याज है, इनको बाहर कर दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जब चाहे तब जो चाहे बड़ा कारपोरेट, बड़ा व्यापारी कितना भी स्टॉक में इकट्ठा कर सकता है चीजें और उसका जैसे चाहे वैसे विनिमय कर सकता है, व्यापार कर सकता है। लोग परेशान होंगे, महंगी चीजें होंगी और फसल को जिस तरह से मैनेज करना है, जिस तरह से वो चाहेंगे वैसे उसकी बुआई होगी, उसके लिए भी कानून है। तो मेरा कहना है कि इन कानूनों की जो स्थिति है उसको डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट जो एक बेहतर फोरम हो सकता था, सरकार वहां नहीं जाना चाहती है। ये बताता है कि सरकार का अप्रोच कैसा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.